अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, कौन बात कर रहे हैं? आपने अभी तक पोस्ट ली थी जी? सर कौन सी पोस्ट आप हुक्म करें? देखें आप मतलब सर आप बताएं, आप हुक्म करें कौन सी पोस्ट हम डिलीट करें आपके लिए? सर आपको कल शाम तक उठा लिया जाएगा। चलिए मैं पोस्ट भी डिलीट कर देता हूँ, 5 बजे तक उठा लिया जाएगा। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका दो ही बड़ी एजेंसीज हैं, और जिस तरह से आर्मी चीफ ने और DGI दोनों ने अहकाम दिए थे कि एजेंसीज और लोग जो हैं वो मुकम्मल अलहदा रहेंगे इन मामलात से, मुझे उम्मीद है कि उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और अगर ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग कर रहे हैं उनको भी जो है वो काम है कि वो देखें, और मैं जो IB के सरबराह हैं उनसे कहूँगा वो अपने इदारे को ज़रा गौर करें। और जाहिर है कि ये इन्हीं दो इदारों में ज़्यादातर ये आता है कि जहाँ पे अननोन नंबर्स जो हैं कॉलें आती हैं, और ये अननोन नंबर से कॉलें बंद होनी चाहिए, लोगों को फ्री विल की आज़ादी है। और ये देखिए डर वगैरह हमेशा नहीं रहते, पाकिस्तान जो है मैं पहले भी कह चुका हूँ बर्मा नहीं है। यहाँ पर पहले भी जो 4 मार्शल लॉज आए हैं, 4 मार्शल लॉज ख़त्म हुए। आप अगर समझते हैं कि ताकत के बल के ऊपर पाकिस्तान पे हुकूमत की जा सकती है, यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आगे रिटेलिएशन होगी, यहाँ पे आगे लोग खड़े होंगे। और ये जो अभी एक माहौल है अमन अमान का, इसको बरकरार रहने दें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, और जितनी जल्दी इलेक्शंस हों उतनी जल्दी पाकिस्तान इस जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उससे बाहर आएगा। शुक्रिया जी। देखिए इस वक्त तो मैं आपको बताऊं कि 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल के जवाब में एक नुक्ता जो मैं भूल गया था वो मैं कर रहा हूँ।